वेलकम बैक व्यूअर्स, ट्रिपल ए एसोसिएट्स प्रेजेंट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021। स्ट्राइकिंग पेंस इज नीड 89 रन्स टू विन इन 6 ओवर्स विद द एवरेज ऑफ 40.83। और मेरे साथ मैं हूं कियासिफ, और मेरे साथ इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं हसनैन लियाकत, ये दोनों अंपायर्स हैं, सरवर भट्टी और अशरफ भट्टी, दोनों ही बहुत एक्सपीरियंस अंपायर हैं। हसनैन वेलकम। बहुत शुक्रिया आसिफ। इस वक्त एक अच्छा टारगेट है, लेकिन जिस तरह की फॉर्म यहाँ पे लगी हुई है तैमूर मिर्ज़ा और उसामा अली की, लगता ये है कि ये टारगेट छोटा साबित हो सकता है। मेहनत करनी होगी फादमी अचन्नू को इस टूर्नामेंट में रहने के लिए। आज एक टीम पहले ही अपने दो मैच हार चुकी है माउंटेन रोरिंग लाइन, और इस वक्त आप देख सकते हैं उसामा अली सियालकोट, वन ऑफ द टॉप क्लास ऑलराउंडर ऑफ पाकिस्तान टेबॉल क्रिकेट, उनके साथ मौजूद हैं तैमूर मिर्ज़ा, दोनों ही बल्लेबाज आ चुके हैं और बॉलिंग इस वक्त करवाएंगे पेशावर से। पेशावर एक्सप्रेस बड़े ही बेहतरीन और तेज तरीन बॉलर हैं, इनका ताल्लुक पेशावर से है। बासित अली इनकी जर्सी के पीछे लिखा है, इनका ओरिजिनल नेम बासित अली है, लेकिन टेप बॉल की दुनिया में इनको कहते हैं बादशाह खान। जी हाँ, बादशाह खान, जिनके बारे में भी हसनैन बता रहे थे कि इनको पेशावर एक्सप्रेस भी कहा जाता है। लेकिन दूसरी जानेब बैटिंग साइड पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त तैमूर मिर्ज़ा पहुंच चुके हैं। तैमूर मिर्ज़ा एक ऐसा नाम है टेबॉल क्रिकेट में, राइट हैंडेड बैट्समैन है, स्ट्राइकिंग पैंथर्स के कैप्टन भी हैं, आइकन प्लेयर भी हैं, और अब तक इनकी तरफ से अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है। लेकिन जिस क्रिकेट के लिए ये जाने माने जाते हैं, शायद आज वो क्रिकेट देखने को मिले उसामा अली इनका साथ दें। उसामा अली का ताल्लुक सियालकोट से है, बड़े ही बेहतरीन ऑलराउंड क्रिकेटर है, और आजकल आई थिंक जिंदगी की सबसे बेहतरीन फॉर्म में उसामा अली, जिस तरह के सिक्सेस लगा रहे हैं कोई भी बॉलर। कल आपने देखा होगा कर्नल जायद को बड़े बेहतरीन छक्के लगाए थे। बासित अली, बादशाह खान इनका निकनेम है टेबॉल क्रिकेट में, पहला बॉल फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सामना करेंगे तैमूर मिर्ज़ा, और तैमूर मिर्ज़ा का ये होम ग्राउंड है गुजरांवाला वांडू से इनका ताल्लुक। टेबॉल क्रिकेट में बड़ा ही नाम कमा चुके हैं और बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है तैमूर मिर्ज़ा की। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और बादशाह खान इस वक्त आप देख सकते हैं कुछ विर्त करते हुए तैयार खड़े हैं, और प्लेस द कॉल, तैमूर मिर्ज़ा सामना करेंगे बादशाह खान का। और विकेट कीपर बादशाह खान की पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी है अंपायर का, और ये सरवर भट्टी का खूबसूरत अंदाज, बड़े स्टाइलिश तरीके से यहां पर वाइड बॉल देते हुए सरवर भट्टी। बादशाह खान वाइट से थोड़ा सा अगर 3-4 इंचेस अंदर बॉल रखती है तो अच्छा बॉल था, परफेक्ट बॉल था। तैमूर मिर्ज़ा यहां पर मुश्किलात का शिकार हो सकते थे, क्योंकि उनका फेवरेट एरिया है ज़्यादातर लेग साइड का, जिसको वो टारगेट करते हैं। फुटबॉल विद ऑल अपडेट्स www.ticklab.com। उर्दवा शॉट, बॉल हवा में, और इस वक्त बॉल जाएगी बॉडी लाइन से बाहर, एक बुलंद बाला और फलक शगाब छक्का तैमूर मिर्ज़ा के बल्ले से निकलता हुआ। हसनैन, ये बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं, ये बॉल तो स्टेडियम से बाहर चली गई, और अब टूर्नामेंट में ये 125 छक्के अब तक लग चुके हैं। तैमूर मिर्ज़ा को फुल टॉस डिलीवरी, वे देखिए क्या खूब खेले, परफेक्ट टाइमिंग, और ये बॉल जा रही है गोइंग गोइंग एंड गुड बाय। बेहतरीन बल्लेबाजी, पेस का इस्तेमाल इस वक्त तैमूर की जानिब से। अगेन अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, और सर्वर, यस इट इज स्टाइलिश एंड एलिगेंट फ्रॉम सर्वर बट्टी। और ये बहुत ही क्लोज कॉल है, बहुत ही क्लोज कॉल है ये, इसमें अनलकी रहे बादशाह खान। अभी तक वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं अंपायर से, और तैमूर मिर्ज़ा इस बॉल को लेफ्ट कर गए थे, आप ये देख सकते हैं। अंपायर को एडवांटेज देना चाहिए था बॉलर को, लाइन बिलोंग्स टू अंपायर। हसनैन, हल्का सा स्विंग हो रहा था बॉल, तो बहुत अच्छी एफर्ट थी बॉलिंग की, बॉलर की जानिब से। बादशाह खान एक दफा फिर, तैमूर मिर्ज़ा तैयार हैं, और इस दफा कनेक्ट कर दिया, और सीधा ये बॉल जाकर लगी है, और ये शानदार छक्का। बॉलर ने डिलीवरी थी बादशाह खान की जानिब से, उनके सर के ऊपर से होती बॉल पहुंची बाउंड्री लाइन से बाहर। तैमूर मिर्ज़ा आज सिक्सेस में डील करते हुए, जिस तरह के आसिफ
सुबह आप बात कर रहे थे कि तैमूर मिर्जा उस तरह की फॉर्म में नजर नहीं आई, लगता ही है कि आज ये मैच है जिसमें वो एक तो प्रेशर के बगैर खेल रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है, दो मैचेस वो जीत चुके हैं और बड़ी उमदा बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त तक दो बॉलें फेस किए हैं और 14 रन बना चुके हैं, दो एक्स्ट्रा के रन भी इसमें शामिल। एग्जैक्टली दो ही शानदार छक्के लगे हैं तैमूर मिर्जा की जानिब से और तैमूर मिर्जा का आगाज उनका बूट ये बता रहा है कि वो 5 ओवर्स में गेम खत्म करना चाहते हैं अगर इसी रफ्तार से खेलते रहे। सो इस दफा फिर बिल्कुल तैयार खड़े हैं सामना करने के लिए और इस दफा स्कोर खेल दिया है और कैच ड्रॉप कर दिया और ये वो गलती है जो कि आपको इस मैच से बाहर कर सकती है। कैचेस विन मैचेस, टिप मिड विकेट के ऊपर इनाम कश्मीरी मौजूद थे जिन्होंने एफर्ट जरूर की थी लेकिन इस लेवल की क्रिकेट में कैच पकड़ना चाहिए था आप देख सकते हैं और यहां पे आके आखिरी वक्त में अपने आप को संभाल नहीं सके इनाम कश्मीरी। ये मैच लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, अगर आप अच्छे कैचेस लेंगे अच्छी फील्डिंग करेंगे आप दुनिया में जाने माने जाएंगे अपनी फील्डिंग की वजह से, जैसे जोंटी रोड्स माने जाते थे अपनी फील्डिंग की वजह से, उनकी वजह शोहरत साउथ अफ्रीका के जो खिलाड़ी थे सिर्फ फील्डिंग थी। सो आप बॉलिंग भी अच्छी करें बैटिंग भी अच्छी करें लेकिन उसके साथ साथ अगर आप शानदार फील्डिंग करते हैं तो पूरी दुनिया में आपका नाम होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप आसिफ और इस तरह के प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के लिए इट्स अ जीए सुपर प्रोडक्शन। इस वक्त आप तकरीबन 70 से ज्यादा ममालिक में जियो सुपर की प्रोडक्शन देखते हुए मार्को चैंपियंस लीग एट इज बेस्ट। आउटसाइड द ऑफ स्टंप और वाइट बॉल का इशारा देते हुए सौरभ बट्टी और एक दफा फिर इसको वाइट बॉल डिक्लेयर किया है सरबत और ये देख सकते हैं आप बादशाह खान इनके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि वो खुश नहीं है बादशाह खान और अनलकी रहे। यहाँ से एक दफा फिर देखना होगा ये क्या खूबसूरत मंजर है ड्रोन कैमरे का और क्रेडिट गोज टू प्रोडक्शन फॉर जियो सुपर, कमाल की कैमरा वर्क किया है, बहुत बेहतरीन। इस वक्त मनाजिर आपके स्क्रीन पे गुजरांवाला स्टेडियम के मार्को चैंपियंस लीग 2021 इस वक्त जारी हो सारी। ओ व्हाट अ शॉट, फील्डर मौजूद है इस वक्त एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, वन बाउंस इन टू द फेंस गॉन फॉर 4 रन्स। टिपिकल पंजाबी आपको सुनने को मिल रही होगी विकेट कीपर की जानिब से और यह आसानी से रोका जा सकता था ये गेंद और ये वो शॉट थी जिसका मैं वेट कर रहा था तैमूर मिर्जा की जानिब से, ओवर एक्स्ट्रा कवर इसको खेले, फील्डर वहाँ पर ज़रूर मौजूद थे लेकिन एक ऑर्डिनरी सी एफर्ट ये बॉल आसानी से रुक सकता लेकिन इसको नहीं रोक पाए। सो ये 4 रन हासिल किए, अब तक 23 रन बन चुके हैं, अभी सिर्फ 4 गेंदें हुई हैं। बिल्कुल टेक्नोलॉजी पार्टनर cricklab.com और आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल बॉल बाय बॉल अपडेट भी आपको यहां पर मिल सकती हैं। 23 स्कोर हो चुका है पहले ओवर के, अभी 4 बॉल मुकम्मल हुए। उड़ता हुआ शॉट बालावा में, वसीम लेफ्टी कैच सामने में नाकाम रहे, मैज हसरत की निगाह से बॉल को देख सकते थे, बॉल पहुंची है बाउंड्री लाइन से बाहर। और ये सर्वर भट्टी ने बताया कि इस टूर्नामेंट में अब तक 127 छक्के लग चुके हैं और तैमूर मिर्जा ये देखिए एक ओवर पिच डिलीवरी थी, इसको खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर से फ्लैट छक्का, फील्डर ने जरूर कोशिश की कि वो इसको जंप करके रोकने की कोशिश करें लेकिन तैमूर मिर्जा 5 गेंदों पर 26 रन बना चुके हैं और जिस मूड से इन्होंने आगाज किया था जिस तरह मैंने कहा कि अब अगर ये हो सकता है कि ये मैच एक ओवर पहले ही खत्म हो जाए अगर ये इसी तरह खेलते रहे। अच्छी गेंद इस दफा बादशाह खान की, डॉट डिलीवरी होगी। सो पहले ओवर के अख्तिताम पर स्ट्राइकिंग पैंथर्स 29 for 9। इनाम कश्मीरी थोड़ा सा हसन पेंडा डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, फील्डर बादशाह खान को सेट करते हुए को थोड़ा सा वाइडर किया है इस वक्त हसन पेंडा ने, विकेटों के पीछे मौजूद इनाम कश्मीरी टूसा माली। अच्छा बॉल था सीधा आगे पैड्स पे लगा और भाई का एक रन जरूर मिलेगा यहाँ पर उसा माली को। सर और बॉल ले लें बाहर से दो
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उसामा और तैमूर मिर्ज़ा दोनों ही फॉर्म पे हैं। कल उसामा ने भी बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था, शानदार छक्के उनकी तरफ से देखने को मिले थे। और अब इस वक्त चिप के 1.1 ओवर हुआ है, अब तक अगर आप देखें 26 रन बनाए हैं तैमूर मिर्ज़ा ने, 6 गेंदों का सामना किया है। उसामा अली नॉट आउट हैं, 1 रन बनाया है और अब तैमूर मिर्ज़ा एक दफ़ा फिर सामना करने के लिए तैयार हैं। तैमूर मिर्ज़ा इसको परफेक्टली टाइम नहीं कर पाए, इसको खेला है स्क्वायर लेग की जानेब, एक ही रन बन पाएगा। हसनैन, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो विकेट कीपर खड़े हैं हसन पेंडा, इनका ताल्लुक किस इलाके से है? हसन पेंडा का ताल्लुक लाहौर से है, लाहौर दाता की नगरी से इनका ताल्लुक है। बड़ी बेहतरीन बल्लेबाज है और जिस मैच की मैं बात कर रहा था, इनाम कश्मीरी ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की थी, उसी मैच में हसन पेंडा भी लाहौर की टीम में शामिल थे। गुजरांवाला के मनाजिर आपके स्क्रीन के बिल्कुल सामने और इसी असना में इनाम कश्मीरी तीसरे बॉल की तलाश में। बहुत ही दिलकश मनाजिर और उसामा ने इसको खेला है एक दफ़ा फिर स्क्वायर लेग की जानेब, एक रन बना और अब तक ये बेहतर ओवर है। और ये सरमद मजनू है, जो सरमद मजनू को इनके हेयर स्टाइल की वजह से मजनू कहा जाता है, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। आप देख सकते हैं लंबे बाल हैं, आजकल वैसे भी एक हेयर स्टाइल बहुत इन है। बिल्कुल, मजनू इज़ अ वेरी स्टाइलिश प्लेयर ऑफ पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट और ये इसी टीम का हिस्सा हैं जिस टीम में तैमूर मिर्ज़ा हैं, उसामा अली हैं, बागवा लवान स्ट्राइकिंग पेंथर इस वक्त बल्लेबाजी के जोर दिखाते हुए, रेसिंग बुल्स डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी फैसलाबाद की ये टीम, इनाम कश्मीरी। गोजाई अप इन द एयर, फील्डर बॉल के नीचे मौजूद हैं और व्हाट अ कैच, ब्रिलियंट कैच। तैमूर मिर्ज़ा की विकेट बिलाखिर हासिल कर ली और फंबल हुआ था, बहुत देर गेंद फजा में रही और वेल जज फंबल कर गए, लेकिन बहुत अच्छा आपने देखा कि रिबाउंड में ये कैच लिया और इट वाज अ स्काई हाई इन द एयर स्टिल कमिंग और बहुत ही अच्छा जज किया फील्डर ने, थैंक्स गॉड वो उसके नीचे रहे बॉल के। ये देखिए और इस वक्त फहद बिया चन्नू उनके साथ थे और इस तरह तैमूर मिर्ज़ा को वापस जाना होगा। 27 रन बनाए कोट खान बोल्ड इनाम और इस तरह 32 रन पर एक खिलाड़ी आउट। तैमूर मिर्ज़ा को इस वक्त आउट किया है फातमिया चन्नू ने, फातमिया चन्नू भी आइकन प्लेयर हैं, तैमूर मिर्ज़ा भी आइकन प्लेयर हैं। बड़ी बेहतरीन अंदाज में फील्डिंग का मुजाहरा किया फातमिया चन्नू ने, शहराम काका ने एफर्ट जरूर की थी लेकिन बैकअप पे मौजूद थे फातमिया चन्नू। नए आने वाले बल्लेबाज नासिर पठान हैं लेकिन इस वक्त स्ट्राइकिंग गेंद पे मौजूद उसामा अली फ्रॉम सियालकोट। अब तमाम तर जिम्मेदारियाँ उसामा अली पे आ चुकी हैं कि उसामा अली कैसी बल्लेबाजी करते हैं तैमूर मिर्ज़ा के डिपार्चर के बाद। और कोर्ट बैन की अपील हुई है और अंपायर ने कहा है अब क्लोज द फिंगर और इसके साथ ही बैक टू बैक टू विकेट्स, स्ट्राइकिंग पैंथर्स के ऊपर प्रेशर आ गया है। बड़ा नुकसान एक ही ओवर में तैमूर मिर्ज़ा के बाद, इस वक्त उसामा अली सियालकोट भी आउट होने के बाद वापस जाएंगे अपने खेमे में। दो बड़ी विकेट लेने में कामयाब हुए पाकिस्तान टेप बॉल के स्टार बैट्समैन और स्टार ऑलराउंडर, आउट होने के बाद अपने डगआउट में पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही क्लोज डिसीजन था और वेल जज अशरफ भट्टी जो अंपायर थे। और ये देखिए उसामा अली वापस जाते हुए वंस अगेन कैच खान बोल्ड इनाम कश्मीरी और इस तरह 1.5 ओवर्स के पास स्ट्राइकिंग पैंथर्स 32-2। अशरफ पठान आने वाले नए बैट्समैन हैं और बहुत ही शानदार बॉलिंग, अगर टाइमलाइन देखें पहले 3 सिंगल्स हुए थे हसनैन, उसके बाद विकेट विकेट और हैट्रिक बॉल है। Here we go, all set. देखते हैं इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक हो पाती है या नहीं। इस वक्त यस और इस दफा इसको खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से, पुल किया, शानदार छक्का,
तो इस ओवर के अख्ताम हुआ है एक शानदार छक्के के साथ, दो ओवर्स के अख्ताम पर स्ट्राइकिंग पैंथर्स 38 for 2। और स्ट्राइकिंग पैंथर्स इस वक्त तैमूर मिर्जा 27 रन बनाए थे, उसामा अली ने दो। और वेस आपको एक नया टेस्ट देंगे कमेंट्री बॉक्स के अंदर। हसनैन लियाकत जो हमारे कमेंटेटर हैं, हमारे कॉलीग हैं, वो पहाड़ी में ज़बरदस्त कमेंट्री करते हैं जी। आज़ान की ब्रेक थी और इस वक्त मीशा इमरान रेडी है इंटरव्यू के लिए तैमूर मिर्जा के साथ। ओवर टू मीशा इमरान। Thank you so much. So we're back again live from Jinnah Stadium. Gujjawala AAA Associates presents Marhood Champions League 2021. इस वक्त स्ट्राइकिंग पैंथर्स को हमने रेसिंग बुल्स ने स्कोर दिया है 89 का। एंड आई हैव विद मी द कैप्टन ऑफ स्ट्राइकिंग पैंथर्स मिस्टर तैमूर मिर्जा। उन्होंने 27 रन बनाए हैं, वो अभी अभी आउट हो गया। इनसे पूछते हैं कितना अच्छा लग रहा है 89 रन का, आपने ऑलरेडी अच्छा खासा स्कोर कवर कर दिया है, 6 for 6 आप मार रहे थे, कितना अच्छा लग रहा है, आपकी टीम इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया। हमें 100 का टारगेट मिल रहा था लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट अच्छा लिया है, तो मैं मुतमिन को इंशाल्लाह ताला हमारी ये टीम जो चेज कर जाएगी इसको इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा, क्योंकि आप लोग हमेशा सीमेंट पे खेलते हैं, अब टर्फ पे खेल रहे हैं, कितना डिफरेंस फील हो रहा है? ज़्यादातर इवेंट होते हैं, ट्रॉफी भी होते हैं, लेकिन ऐसा जो हमें एटमॉस्फेयर मिला है ये माशाल्लाह बहुत गुड है। सीमेंट का और इसका इतना फर्क नहीं होता, जो अच्छा आपको विकेट मिल जाए। अच्छा ये बताएं, क्योंकि जियो सुपर से लाइव जा रहा है, नेशनल टीवी पे जा रहा है, कभी सोचा था कि गली क्रिकेट खेलते थे और आज नेशनल टीवी पे हैं? देखें, ये हमारे जो टेबल जो क्रिकेट है ना, ये हमारे तकरीबन हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो भी खेलते हैं, ये हमारे इधर से स्टार्ट होता है हम सबका, तो सोचा तो नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं कि मारकोट जैसा इवेंट हमें खेलने को मिला है और वी आर सो हैप्पी। बिल्कुल। जब डग आउट में बात होती है तो ये बताएं कितना अच्छा फीडबैक मिलता है कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोग को मिला है, इतने जिन्ना स्टेडियम में आप लोग को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और एक्सपोजर इतना अच्छा है कि पूरा पाकिस्तान देख रहा है, तो डग आउट में कैसा फीडबैक मिलता है? ज़ाहरी बात है कि आप इतना अच्छा इवेंट खेल रहे हैं, इतना बड़ा इवेंट खेल रहे हैं, तो फीलिंग तो प्राउड होता है आपको यार कि आप लाइव मैचेस में खेल रहे हैं जी सुपर के ऊपर, लाइव में फर्स्ट टाइम आप खेल रहे हैं, तो बड़ा अच्छा फील। ये बताएं, क्योंकि हमेशा आप वैसे खेलते रहते हैं लेकिन क्योंकि टीवी पे आ रहे हैं, कोई एडिशनल प्रेशर फील हो रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा क्राउड में खेलते हैं। ऑलरेडी टेबल को अगर आप वॉच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने ज़्यादा क्राउड में खेलते हैं, तो प्रेशर कोई फील नहीं होता हमें। चलिए, प्रेशर कोई फील नहीं होता कि पूरा पाकिस्तान देख रहा है, हम अपना बेस्ट देंगे। जैसे तैमूर मिर्जा ने आज ही स्मैश द बॉल आउट ऑफ द पार्क टाइम टू टाइम, सो थैंक यू सो मच तैमूर एंड बैक टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू मिशा इमरान। और मिशा बात कर रही थी तैमूर मिर्जा से, और अब अपने व्यूज़ को बताते चलें कि हम थोड़ा सा पहाड़ी टच में आपको कमेंट्री सुनाएंगे। माड़े नाले ते बैठे हसनैन लियाकत, इनाना ताल्लुक है मलका कोसार मरी नाल, ते तुसा बाणे से हुण दसो करंट रन रेट है 19.05। बॉल बहुत तेज हटना बादशाह, लेकिन इस वक्त जड़ी सी स्पीड उस ऊपर कंट्रोल करना पैसी है। यो वाइट बॉल दिता गया इस वक्त सर्वर भट्टी की तरफा, 43 for 48 स्कोर इस वक्त चाइना वा, और उन देखना पैसी कि ये स्कोर बचाई सकसन या ना। बादशाह तेज बॉलर आ, बूथी भी कुदरा कुदरा पनी सटना वा। तो सर ठीक बाणे हो, लेकिन 48 रन है ते 3 बॉल है, माड़ा ख्याल है कि अगर 3-4 छक्के इत्थे लगनी गछे ते बड़ा मुश्किल होई गसी। बिल्कुल ठीक आ गया सर, लेकिन बादशाह नी लाइन ऊपर कंट्रोल करना पैसी इसकी, अगर लाइन ऊपर कंट्रोल ना करसी ते माड़ा ख्याल आ सीधा सीधा पेशावर गछने पैसी इस। बादशाह बॉल ना वाइट द सिग्नल दिता साथ है। बिल्कुल तुसे ठीक बाणे हो हसनैन, ते हसनैन तुसे पूछना है कि तुसे इतने लंबे अरसे तो कमेंट्री करने ते तुसे ग्राउंड च गछने हो, ते जेड़े मैदान च गछने हो पंजाब च पंजाबी ते मरी च पहाड़ी, मुश्किल नहीं होना तुसे आस्तै? मुश्किल बहुत होना, लेकिन पहाड़ी उठिया बोलने जितने कोई फरमाइश करना, वैसे असं कोशिश ही होनी कि उर्दू बोलिए, उर्दू सीधी करने की कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ी की फरमाइश सी, वह भी साढ़े बड़े स्टार है दानिश अनीस साहब, उन्होंने तरफ सी, तो अस आ गया फरमाइश पूरी करा है। जो देखो मैनेजमेंट और चेयरमैन मारकोट चैंपियंस लीग सैफुल्ला भाई साहब, ये भी पहाड़ा तू है, इन्होंने तलुक मलकोट तू आ। अच्छा बाल सा इतने बादशाह खान की तरफा, एज लगा और इस बात हसन पेंडा देखो कुत्ते पहुंची गया, अल्लाह की कसमी ए पहुंची गई पिछे बैकवर्ड पॉइंट ऊपर तोड़ी थे। ये टेप बॉल की खूबसूरती है आसिफ साहब, ये टेप बॉल की खूबसूरती है कि विकेट कीपर जड़ा होना वो पूरे ग्राउंड गछना अचना गछना नसना, तो यह खूबसूरती होनी,
और दसो इस टूर्नामेंट ने बारे गुल कोई गल बात साहब इतने बड़े लेवल पर है बारफुट चैंपियंस लीग होनी पीजीओ सुपर पर लाइव कशना पे एक एक्सपीरियंस तुसा की किस तरह पे दिसना ये टूर्नामेंट इसलिए मैं समझने कि सबसे ज्यादा हाइप जड़ी जुबान अस बोले लगे उस पास ही मरी गलियात विच हजारे विच बड़ी इसनी हाइप ही उस रीजन ये कि दो टीमें उत्थे नहीं हैं और पहलियां दो टीमें उत्थियां बिकियां ए देखो छोटा बच्चा भी इंजॉय करना कम कम लोग है लेकिन ज्यादा लोग तुसा निकोमेंट्री भी इंजॉय करना पाड़ी च कसम से और इस वक्त बाल चाई सटी ने हवाई ऊपर फील्डर रचना वा उसी या ना उना और होएगा कैच ओ मड़े वाला कैच ड्रॉप करी सटे आए थे और कैच ड्रॉप किस किता हसन चिट्टे ते तुसा की भी दुख दिस ए तुसा दिसना कि तुसा भी बड़े दुख छियो ए सीधा कैच सा आसानी ना लोई सकना सा ते तुसा ड्रॉप इस फील्डर ड्रॉप करी दिता मैं दुख विच इस गल आया कि हसन चिट्टा की मैं जानना है पिछले एक साल तो अगर ये कोई और फील्डर ड्रॉप करना हुन देखो कितनी बॉल हवा विच सी और ऐसा करी सकना सा देखो बिल्कुल खलता वाजा थले लेकिन ड्रॉप की करी छोड़े सा अगर कोई और ड्रॉप करना तो ऐसा ना रोला इतने तक सुनाई दिया बहुत शुक्रिया हसनैन हम एंजॉय कर रहे थे आपकी पहाड़ी कमेंट्री और जब अच्छी गेंद थी अब और विकेट कीपर अपील कर रहे हैं कॉट बिहाइंड की विकेट कीपर ने अपील की और अंपायर सर्वर भट्टी इस वक्त कुछ तो अब 43 रन दरकार हैं हसनैन 21 गेंदों पर ये देखिए बादशाह खान और वो काफ़ी क्लोज था ये बिल्कुल बहुत ही क्लोज था बादशाह खान अगर वेवर डिलीवरीज ना करवाएं तो अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं लेकिन अपनी वेवर डिलीवरीज पर कंट्रोल करना होगा अच्छे ओवर निस्बतन और इस वक्त चेयरमैन मार्को चैंपियंस लीग सैफुल्ला अब्बासी एंड कंपनी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी 21 बालों पे 43 स्कोर रह चुके हैं दानिश क्या कहें आसिफ क्या कहेंगे आप और दानिश आपसे डिमांड कर करके आपके दिमाग पर छा चुके हैं बिल्कुल इस वक्त 43 रन हैं 21 गेंदें ये 20 गेंदें ये कोई मुश्किल नहीं है टेबॉल में तीन या चार छक्कों की गेम है बादशाह खान और इस दफा इसको खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से गुड बाय थैंक यू बेहतरीन शॉट था और बादशाह खान की बॉल यकीनी तौर पर अशरफ पठान इसको बाहर भेजने में कामयाब हुए और 129 छक्के अब तक लग चुके हैं ये फुल टॉस डिलीवरी इसको परफेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ डिस्पैच किया मैक्सिमम के लिए 52 स्कोर 2 विकेटें लेने में कामयाब अच्छा बॉल था लेकिन अब देखते हैं सर्वर भट्टी को ये बॉल बिल्कुल वाइट बॉल फ्रॉम सर्वर भट्टी सर्वर भट्टी की अंपायरिंग भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बनती जा रही है इस टूर्नामेंट में हमने बहुत डिस्कस भी किया इनको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं अपने अंपायरिंग को अब 36 रन दरकार हैं 19 गेंदों का खेल बाकी है और 89 का टारगेट है मेरा ख्याल है कि एक और बड़ी हिट चाहिए होगी इस लास्ट बॉल के ऊपर उन्नीस बालों पे 36 रन वाइटल बॉल उतावा शॉट एज लगा है बॉल इस वक्त पहुंची बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर एक रन लगा दूसरा रन लगाने की कोशिश और क्लोज है अंपायर ने रेफर कर दिया इंटरेस्टिंग और अंपायर थर्ड अंपायर सादी राजपूत को रेफर किया है अब देखना ये होगा कि ये बहुत कि ये इसको खेला था पॉइंट के जानेब और ये बॉल जो है वंस अगेन विकेट कीपर खुद भाग कर आए बहुत ही अच्छा पिक किया इसको थ्रो और जी हाँ ये ऐसा लगता है कि ये आउट है और अभी देखना ये है कि थर्ड अंपायर की जानेब से और थर्ड अंपायर ने एक दफ़ा फिर इसको थर्ड अंपायर ने रेड लाइट मेरा ख्याल है इसको जी हाँ तो रेड लाइट ऑन हो गई इसका मतलब है ये आउट है सो बैट्समैन को वापस जाना होगा एक और नुकसान हुआ है इसके साथ ही एक दफ़ा प्रेशर दोबारा आ गया है और तीन ओवर का खेल ख़त्म हुआ इसके साथ ही कॉम बॉक्स में तब्दीली होगी और नसीब राजपूत और उनको ज्वाइन करेंगे जुबैर अब्बासी ज़्यादा मुश्किल हदफ नहीं है यहाँ पर स्ट्राइकिंग पैंथर्स के सामने ऑलरेडी दो मैचेस वो जीत चुके हैं
इस बार अच्छी गेंद बॉलर की जानिब से जुबैर अब्बासी, ज़ैबी अब्बासी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और ये वो ज़ैबी अब्बासी हैं जिनके बारे में मैं बार बार कह रहा था कि कहाँ से ये डिटेल मिल रही है हमें, हम आपको बताएंगे। ज़ैबी वेलकम करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया नसीम। कड़ाकेदार मैच इस वक्त जारी है, सारी है। सहराम काका सामने है, नासिर पठान, पंजाब टेप बॉल क्रिकेट का बड़ा नाम है नासिर पठान। बड़े शॉट्स तो यहाँ पर लगाने होंगे। इस दफा एक और बेहतरीन बॉल और नासिर पठान के विकेट लेने में कामयाब। वाओ, दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेप बॉल, व्हाट अ बॉलिंग। दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, कभी भी मैच चेंज होना शुरू हो जाते हैं। और इस विकेट के बाद जहाँ नासिर पठान आउट हुए, ज़ैबी क्या लग रहा है आपको, डिफिकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर बैटिंग साइड के लिए? लेकिन सरमद मजनू आप भी बाकी हैं, सरदार हसनैन बाकी हैं, कादर कश्मीर बैटिंग कर लेते हैं तो बड़ी तगड़ी बैटिंग है। नासिर पठान दो रन बनाकर पवेलियन जाना होगा। 89 रन का हदफ दिया है यहाँ और 16 गेंदों पर 35 रन दरकार होंगे स्ट्राइकिंग पैंथर्स को इस इवेंट में तीसरी फतह के लिए। लेकिन ये जो दो विकेटें एक साथ गिरी हैं, इसके बाद कोई फर्क पड़ेगा? और ये कौन बैटिंग के लिए आ रहे हैं, आप तो सबको जानते हैं, ज़ैबी सरमद। जी हाँ, इस्लामाबाद से ताल्लुक है सरमद मजनू, आप इस्लामाबाद स्टाइलिश प्लेयर ऑफ पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट। आप शाराम काका, बड़ा बेहतरीन बॉलिंग की है शाराम काका ने अभी तक। 54 स्कोर हो चुका है 4 विकेटों के नुकसान पर स्ट्राइकिंग पैंथर की टीम का। अब मजनू को यहाँ पर मजनू जैसी बैटिंग करनी होगी जिस नाम से वो जाने जाते हैं। अभी भी हदफ इतना मुश्किल नहीं है जुबैर अब्बासी, टारगेट हासिल हो सकता है। जी बिल्कुल, अचीवेबल टारगेट है। देखना होगा यहाँ पर मजनू, अपनी टीम की उम्मीद की किरण है मजनू। बाल भी उन्होंने बड़े किए हुए। और सरमद ने आते ही अपने इरादे जाहिर किए, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर गेंद को पहुंचाया, मच नीडेड बाउंड्री फॉर स्ट्राइकिंग पैंथर्स। बड़ा ही बुलंदों वाला छक्का यहां पर। ये रिप्ले ओवर पिच बॉल था और इसे कितनी खूबसूरती के साथ डीप स्क्वायर लेग की बाउंड्री से बाहर भेज दिया। मजनू आ चुके हैं, मजनू जाग चुके हैं, इस्तकबाल किया छक्के के साथ। 15 बॉल 29 बाकी। सहराम काका लैया से ताल्लुक है इनका। बाहर का इशारा, नो बॉल। एक तोहफा दिया है यहाँ पर सहराम काका ने मजनू को। बिल्कुल, इस ओवर इस मैच में हमने बहुत नो बॉल्स देखी। पहले ओवर की पहली इनिंग की पहले ही ओवर में 4 नो बॉल किए थे सलमान ने, और इस बार भी ये खासी बड़ी नो बॉल जान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैचेस टेलीवाइज हो रहे हैं, कोशिश होती है अपनी परफॉर्मेंस को सारी दुनिया में दिखाएं, उसमें थोड़ी जुबैर जान लग जाती है। सलाम काका, इस दफा मजनू स्लो बॉल था, फील्डर यहां पर मौजूद हैं। कड़ाकेदार यहाँ पर छक्का लग सकता था। भाई बैकअप दे आना यार। फ्री हिट का इतना फायदा नहीं उठाया यहाँ ज़ैबी अब्बासी, जो उठाना चाहिए था, जो उठा सकते थे यहाँ पर। हालांकि पिछली गेंद पर छक्का भी उन्होंने लगाया था, लेकिन इस बार गेंद खासी ब्लॉक होल्ड में थी। 14 गेंदों पर 27 रन दरकार है यहाँ स्ट्राइकिंग पैंथर्स को। रोकने होंगे ये रन रेसिंग बुल्स को, क्योंकि अगर ये रन रोकने में कामयाब नहीं हुए तो शायद इस ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021 से बाहर का दरवाजा देखना होगा। तैमूर नियाज़ी अब आए हैं बल्लेबाजी के निशान पर, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी इस पूरे सीजन में तैमूर नियाज़ी ने। अब बड़ी स्टेज है और यहाँ परफॉर्म करना बनता है तैमूर नियाज़ी का अपनी टीम के लिए, बड़ा मुश्किल हो जाएंगी। बिल्कुल, यहाँ अगर आउट ना किया, मजीद विकेट चाहिए होगी, रन नहीं रोक सकते एटलीस्ट इतनी बॉल्स पे। और रन अगर
खुद ही दे रहे हो तो फिर क्या कह सकते हैं, जहाँ डॉट बॉल की जरूरत हो वहाँ एक्स्ट्राज और तैमूर मिर्जा एंड कंपनी के चेहरे पर इत्मीनान दिखाई दे रहे हैं कि इस मैच में फतह हासिल करना ज़्यादा दुश्वार नहीं होगा। गलतियों से यहाँ पर बचना होगा फादमिया चन्नू एंड कंपनी को अगर अपनी डूबती हुई कश्ती को बचाना है। अगर फादमिया चन्नू की टीम ये मैच हारेगी तो वह टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी PK313 के तहत। बिल्कुल गुजरावाला से चलानी पड़ेगी, इस बार आउट होने का खतरा है यहाँ पर, और कैच भी ड्रॉप किया। कभी कभी कहते हैं कि कैच ड्रॉप मींस मैच ड्रॉप कर दिया अपने हाथ से, और ये बड़ा क्रूशल कैच था जो लेना चाहिए था। ऑलरेडी रन ज्यादा नहीं है। जोबी शराम काका का बड़ा बेहतरीन बॉल था, ब्लॉक हॉल में गिरा था ये बॉल और कैच यहाँ पर एफर्ट जरूर की थी लेकिन मुश्किलात में दो चार हैं रेसिंग बुल्स, डिफेंस सिटी हाउसिंग फैसलाबाद। विकेट दरकार है लेकिन इस बार भी गेंद कैरी नहीं कर सकी, जब कैरी की थी वहां पर कैच नहीं ले सके, तो परेशान दिखाई दे रहे हैं इस वक्त बॉलर्स फील्डर्स तमाम के तमाम लोग रेसिंग बुल्स डिफेंस सिटी हाउसिंग फैसलाबाद के। चार ओवर्स मुकम्मल हुए, 67/4 स्ट्राइकिंग पैंथर्स। तैमूर मिर्जा ने इब्तिदा में 27 रन का आगाज 8 गेंदों पर दिया, फिर 15 रन अशरफ पठान ने 6 गेंदों पर बनाए, कुछ विकेट्स दरमियान में हासिल की थी लेकिन ये पार्टनरशिप अब कुछ स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है जो खतरे की घंटी बजा रही है। एक्स्ट्राज बहुत देखे हमने जैबी इस मैच में। जी बिल्कुल, आज उसामा अली सियालकोट का बल्ला खा पहुँचता, आज परफॉर्मेंस का मुजाहरा ना कर पाए। पिछले दोनों मैचेस में बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी उसामा अली सियालकोट ने और अब सरमद मजनू एंड कंपनी के कांधों पर भारी जिम्मेदारी आई थी कि उस मैच को ख़त्म करके आए। बिल्कुल, दो ओवर में 21 रन दरकार है। टेप बॉल क्रिकेट में एक ओवर में 21 रन भी बचाना कभी कभी मुश्किल होता है। बहुत अच्छी बॉलिंग करना पड़ेगी यहाँ पर रेसिंग बुल्स डिफेंस सिटी हाउसिंग फैसलाबाद की टीम को इस मैच को जीतने के लिए और इस टूर्नामेंट में रहने के लिए। अदरवाइज ऑलरेडी टॉप किए हुए हैं यहाँ पर भगवाल अवान सियालकोट स्ट्राइकिंग पैंथर्स। इनाम कश्मीरी आए हैं, दाता की नगरी लाहौर से ताल्लुक है इनका और पाकिस्तान टेप बॉल के बेहतरीन बॉलर्स में शुमार होता है इनाम कश्मीरी का। क्रुशियल स्टेज पर अवर दिया है यहाँ पर फादमिया चन्नू ने। वैसे इनाम ने बैट्समैन को इनाम तो दे दिया था, यहाँ पर फुल टॉस गेंद दे दी थी लेकिन पेस की वजह से कहीं ना कहीं डिसीव कर गए। बैट्समैन ज्यादा खुश भी नहीं है इस शॉट को मिस करने की वजह से। सरबत मजनू ऑफ इस्लामाबाद, द स्टाइलिश एंड क्लासिकल प्लेयर ऑफ पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट। कुछ अर्सा पहले मियां चन्नू में टूर्नामेंट जारी था तो बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था सरमद मजनू ने इनाम कश्मीरी के खिलाफ। इनाम भाई बॉल दिखाना। 11 गेंदों पर 20 रन दरकार हैं स्ट्राइकिंग पैंथर्स को इस मैच में फतह के लिए। मीशा इमरान इंटरव्यू के लिए तैयार हैं। Thank you so much, Naseem Rajput. So we're back again live from Jinnah Stadium, Gujranwala. AAA Associates presents Marhod Champions League 2021. इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चेयरपर्सन ऑफ Marhod Champions League, मिस्टर सैफुल्ला बासी। ये एक टीम के ओनर भी हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कैसा फील हो रहा है एज अ चेयरपर्सन एंड एज एन ओनर। सो अब्बासी साहब मुझे बताइएगा कैसा फील हो रहा है, एक तो आप चेयरपर्सन हैं और दूसरा आप ओनर भी हैं टीम के, तो क्या फीलिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमने तवक्को की थी उससे बरक्स हमें रिस्पांस मिले और बहुत अच्छा मौसफर है। आवाम को भी बड़ी ख्वाहिश है अंदर आने की, मगर कुछ कोविड की वजह से ऐसी रिस्ट्रिक्शन है कि हम उनको अलाउ नहीं कर पा रहे, वरना आप देखते हैं कि क्राउड यहाँ पे ये स्टेडियम पूरा भरा हुआ होता। मगर एक जो हमारी जो एक गली क्रिकेट हम ले के आए स्टेडियम तक, अल्लाह ने हमें बहुत ही उसमें एक बरकत डाली है और हमें बहुत अपनी इस ख्वाहिशात से ज़्यादा बढ़ के दिए। बिल्कुल, ये बताएगा कि आपके प्लेयर्स का इतना क्योंकि अच्छा एक्सपोजर हुआ है पूरे पाकिस्तान में थ्रू जियो सुपर जा रहा है, तो उनकी क्या जज्बात है, क्या वो बता रहे हैं आपको आके, क्या फीडबैक दे रहे हैं, उन्हें कितना अच्छा लग रहा है?
देखिए फर्स्ट ऑल ये कि ये पहले सोशल मीडिया के प्लेयर थे, सोशल मीडिया के ऊपर ये मैच चला करते थे मुख्तलिफ लीग्स के, तो अब हम इनको जब हमने ये लीग्स के बारे में सोचा, रहमान भाई और खलील भाई ने हम मिल के बैठे हैं, उसके बाद हमारी जियो सुपर के साथ एक इंस्ट्रक्शन हुई है, उसमें जियो सुपर की तरफ से हमें बड़ा फीडबैक मिला है, उन्होंने हमारे साथ बड़ी हेल्पफुल रहे, हर मसले में हर चीज़ में उन्होंने हमें सपोर्ट की है, तो इस वजह से अब लड़कों को देखें कि कितनी कंट्रीज इस वक्त ये लाइव मैच देख रही हैं जियो सुपर की वजह से, और यहाँ से अच्छा लड़के ये बताएं अपनी टीम के अलावा कौन सी टीम फेवरेट है, कौन सी फेवरेट हमारे लिए देखें अपनी टीम के अलावा, मैं बेसिक मैं मालखौर का चेयरमैन हूँ, मेरे लिए तो सब टीमें एक जैसी है, मगर यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेयर है तैमूर मिर्जा है वो, उसके बाद वो दो तीन प्लेयर ऐसे तायरी पिंडी है, तायरी पिंडी बड़े अच्छा, उसने दो मैचों में बहुत अच्छा स्कोर किया, अपनी टीम कप्तान भी है वो, उसने अपनी टीम को दोनों मैच विन करवाए। अच्छा ये बताएं आज थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हुआ है केपीके की बॉलिंग जो है वो ले गई है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली केपीके की बॉलिंग में इतना दम है कि वो किसी भी टीम को मुश्किल में डाल सकते हैं, और एक अच्छी साइड है उनके पास तायरी पिंडी के सपोर्ट करने वाले लड़के हैं साथ, बड़ा अच्छा सब मिल के वो बड़े अच्छी कम्बिनेशन के साथ इस टाइम वो मैच खेल रहे हैं, अल्लाह करे फुल आगे भी टूर्नामेंट विन करे। थैंक यू सो मच अबासी साहब, ये मार्को चैंपियंस लीग बहुत ही अच्छी जा रही है, एंड वी होप दैट द बेस्ट टीम विंस फ्रॉम हियर, एंड बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू मिशा इमरान, और यहाँ पर क्रेडिट देना बनता है सैफुल्ला भाई साहब को, बड़ी मेहनत की है उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए और बड़ी काविशें हैं इनकी जियो सुपर तक इस टूर्नामेंट को लाने में, और ये रिप्ले आपके सामने, और ये कैच जो ड्रॉप हुआ ज़ेबिया, ये कैचेस तो लेने पड़ेंगे, ऑलरेडी आपके पास स्कोर बचाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे में मिस जज कर गए, पहले से गिर गए थे, ओवर एक्साइटेड दिखाई दिए फील्डर, लेकिन कैच नहीं ले सके, 8 गेंदों पर 17 रन दरकार हैं स्ट्राइकिंग पैंथर्स को इस मैच में फतह के लिए। सैफुल्ला अब्बासी चेयरमैन ट्रिपल एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021, मोहम्मद खलील अब्दुल रहमान मेरे बिल के दोनों टेस्ट क्रिकेटर, ये बड़ी एक टीम बनी थी जिसने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में रोल प्ले किया। यॉर्कर अगर जबी अगर हार्ड बॉल होती तो ये LBW होता जी, बिल्कुल यहाँ पर जाना होता बैट्समैन को वापस पीके 313 के तहत। अब कुछ थोड़ा सा टेंस दिखाई दे रहा है स्ट्राइकिंग पैंथर्स के कैंप में भी, क्योंकि 2 ओवर में 21 रन दरकार थे, 5 गेंदों पर अब तक सिर्फ 5 रन ही स्कोर हुए हैं, तो वेरी वेल बोल्ड। जी हाँ, यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए इनाम कश्मीरी की उतनी कम है, बड़ी बेहतरीन और उमदा लाइन लेंथ पर यहाँ पर बॉलिंग की इनाम कश्मीरी ने, सिर्फ 5 रन दिए हैं 5 बॉलों पर, 1 बॉल इस ओवर का बाकी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट बॉल होगा, अगर इस बॉल पर मजनू बाउंड्री लगा लेते हैं तो फिर मैच 50-50 हो जाएगा। मजरू क्या करते हैं ये तो देखना होगा, लेकिन इनाम ने अगर ये डॉट बॉल यहां पर की या विकेट लेने में हासिल हो गए तो फिर मैच का रिजल्ट चाहे जो भी हो इनके ओनर को इनाम ज़रूर देना चाहिए, इस क्रूशल मौके पर उन्होंने जो ओवर किया है वो बहुत ज़बरदस्त रहा उनकी जानिब से, बड़ी बेहतरीन बॉलिंग इनाम कश्मीर की जानिब से। सरबत मजनू इस दफा मजनू ने शॉट खेला और बॉल गया बाउंड्री से बाहर, सरबत मजनू यूबी उठी, लकी रहे यहां पर, मार कहीं और रहे थे, शॉट कहीं और चला गया, इसी वजह से बॉलर अब तक अफसुरदा खड़े में, ये देखें ऑन साइड पे हिट करना चाह रहे थे और लॉन्ग ऑन के बजाय कवर के ऊपर छक्का हो गया, ये है टेप बॉल में टाइमिंग की वजह से, लेकिन ये टाइमिंग किसी भी तरह रेसिंग बुल्स डिफेंस सिटी हाउसिंग फैसलाबाद के लिए बेहतर नहीं रही। 5 ओवर मुकम्मल 79 for 4 स्ट्राइकिंग पैंथर्स। सर्वर ने जिस तरीके का सरमद ने लास्ट बॉल पे छक्का लगाया या छक्का लगाए, अब जो भी हुआ स्कोर तो 6 रन मिल गए, अब आखिरी ओवर है, 10 रन दरकार हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं इस वक्त रेसिंग बुल्स डिफेंस सिटी हाउसिंग फैसलाबाद की टीम, क्योंकि ऑलरेडी वो एक मैच हार चुके हैं। अब फादमिया चन्नू ने बॉल दिया है इनाम काला, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं इनाम काला, टेप बॉल की दुनिया में बड़ा नाम है इनका, लाहौर से ताल्लुक़ है इनका, दाता की नगरी लाहौर से, अब देखना होगा 6 बॉलों पर 10 रन बाकी हैं, मुश्किल होगा इनाम काला के लिए। ये देखे लॉन्ग ऑन की जाने भेंट लगाने गए थे
भारी किनारा लगा और गेंद कवर के बाहर जा चली गई, यानी कि लक अगर फेवर करे तो फिर इस तरीके के शॉट मिल जाते, लेकिन भादरों को ही लक साथ देता है, भादरों के साथ होता है, क्योंकि वो बड़ी हिट मारने गए थे, भादरी से हिट लगाने गए थे। इनाम का लाफ लाहौर, 6 बॉल 10 बाकी, कौन बनेगा सिकंदर इस मैच का? इनाम काला के लिए बहुत मुश्किल होगा। पहला बॉल और पहली ही बॉल को दिखाया है बाउंड्री का रास्ता, कड़ाकेदार छक्का यहां पर तैमूर नियाजी, इस्तकबाल किया इनाम काला का। पिकुला, ऐसे वक्त में उन्हें बॉल दी गई है कि इनाम काले के लिए वैसे ही खासा मुश्किल हो जाएगा ये रन्स बचाना, 10 रन्स मुश्किल ही बचा पाते हैं, फिर उसके बाद आखिर में कहते हैं आपको ये रन्स बचाने चाहिए थे, बहुत मुश्किल में इस वक्त। इस दफा एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने गए थे और इस दफा प्रॉपर तरीके से टाइम ना कर पाए, मजीद 3 बाकी हैं। अगर इस वक्त 4 गेंदों पे 16 रन दरकार होते तो भी मैच 50-50 होता, लेकिन अब 4 गेंदों पे 3 रन दरकार हैं, कामयाबी यकीनी दिखाई दे रही है स्ट्राइकिंग पैंथर्स की। ये इस ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखूर चैंपियंस लीग 2021 में इनकी 3री मुसलसल कामयाबी होगी। तो फिर अब तक तैमूर मिर्जा की टीम ने बहुत डोमिनेट किया है। इनाम कालाफ लाहौर इस वक्त मुश्किलात से 2-4 हैं स्ट्राइकिंग पैंथर के बल्लेबाजों के सामने। स्पेल ऑफ दी लाइफ करना होगा, ये जो 4 बॉल्स हैं ये अपनी जिंदगी की बेहतरीन करना होगी इनाम काला को, लेकिन इस वक्त शर्मा डिफरेंट मूड में और एक और छक्का लगा के मैच को खत्म कर दिया। या शर्मत मजनू ने आज तो मजनू की तरह खेले, उन्होंने कमाल कर दिया यहाँ पर, ये छक्का इन्होंने पक्का लगाया था, पिछला छक्का इन्हें लक से मिला था। जी अब्बासी जी, बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी और शर्मत मजनू द स्टाइलिश एंड क्लासिकल प्लेयर ऑफ इस्लामाबाद ले गए यहाँ पर बाजी, और ये आप खुशी देख सकते हैं, बड़ा सराहा है यहाँ पर। तैमूर मिर्जा खुद ग्राउंड में आए और सरबत मजनू की इस बैटिंग को सराहा, मैच अपने नाम किया स्ट्राइकिंग मेथड ने। ये रिप्ले, इस दफा बड़ा बेहतरीन शॉट था मजनू की जानिब से, जबरदस्त शॉट लगा के मैच को खत्म किया यहाँ सरमद मजनू ने। और तैमूर मिर्जा आएंगे ग्राउंड के अंदर, उनकी टीम खेल रही है और जाहिर है ये एक डिफरेंट बॉल क्रिकेट लीग है, डिफरेंट टूर्नामेंट है, सबको पता है, सारी दुनिया में देखे जा रहे हैं यहाँ पर। लकी रहे, हालांकि जितने लंबे और बड़े छक्के लग रहे हैं इतना बड़ा छक्का नहीं था, लेकिन स्ट्राइकिंग पैंथर्स भगवाल आवान सियालकोट, स्ट्राइकिंग पैंथर्स मुसलसल 3रा मैच जीतने में कामयाब हुई, जबरदस्त फतह यहां पर और 3री मुसलसल कामयाबी। लेकिन दूसरी जानिब अगर रेसिंग बुल्स डिफेंस सिटी हाउसिंग फैसलाबाद की शिकस्त को देखते तो अब्बासी अब उनके लिए चांस बहुत कम रह गया है, और जिस तरह थके थके ग्राउंड से बाहर आ रहे हैं वो। जी बिल्कुल, आप फाद मियां चन्नू एंड कंपनी को PK313 के तहत जाना होगा मियां चन्नू की तरफ, और ये स्ट्राइकिंग पैंथर का स्कोर कार्ड। तैमूर मिर्जा आते साथ बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, 8 बॉलों का सामना किया, 27 रन की बेहतरीन इनिंग खेली यहाँ पर, और आखिर में तैमूर नियाजी और सरमद मजनू की बेहतरीन बल्लेबाजी। 10 एक्स्ट्राज भी थे इस स्कोर में। ये बॉलिंग कार्ड अगर इनाम कश्मीरी 19 for 2, 1 विकेट हासिल की 18 रन देकर शहराम काका ने, एक्सपेंसिव तमाम के तमाम बॉलर है, लेकिन इनाम कश्मीरी को दाद देना पड़ेगी जिन्होंने सिर्फ 19 रन दिए। इस तरीके से ये मैच समरी आपके सामने, पहले बैटिंग करते हुए रेसिंग बुल्स ने 88 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बनाए थे, 43 एसएन चिट्टा, 24 फहद मियां चुन्नू, 245 जबीउल्ला, जबरदस्त बॉलिंग। जवाब में स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने 3 गेंदों पहले ये टारगेट हासिल कर लिया।